Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 11th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also download our app from Google Play Store and please be informed कि May 2020 का current affairs test हमने release कर दिया है on our app. You all can go there and attempt it for free to test your preparation level. We also request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding police reforms in India. It is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic important aspects of governance. So let us see the background of this article. You must have heard this news about gangster Vikas Dubey of Uttar Pradesh. So first he killed 8 police personnel of UP police and then he escaped. Later on he was caught by UP police and one day after his arrest he was encountered by UP police. Now UP police is claiming that he was trying to escape, but many experts including former DGP of UP police believe that it was a fake encounter. They have given so many proofs also to establish that it was a fake encounter. And now this event has again led to a debate on fake encounter and custodial deaths in India. कई सारे इस तरह के fake encounters होते रहते हैं. Last year भी हमने एक काफ़ी popular case देखा था in Hyderabad. उसके अलावा custodial death के भी incidents हमने देखे हैं हाल फिलहाल में आसाम के अंदर भी. तो एक वापस से debate छिड़ गई है on the role of police and about the fake encounter and custodial deaths. And many people are supporting the ideology of UP government. और अब UP government को ठोकी राज नाम से भी जाना जा रहा है. This Thoki Raj name has been given to UP administration mainly after a statement released by Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Nath when he said अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे. इस तरह का स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया उसके बाद से उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन को ठोकी राज नाम से जाना जा रहा है और कई सारे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं दैट इट इज़ अ राइट अप्रोच टू कर्ब क्राइम इन द स्टेट. इस तरह के पुलिस एट्रोसिटीज़ के और भी रिसेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. फॉर एग्जाम्पल वी सॉ टूटीकोरिन केस इन तमिलनाडु जहाँ पे हमने देखा कि ए फादर एंड ए सन डुओ नेम्ड जयराज एंड बेनिक्स वेयर अरेस्टेड ऑन June 19 फॉर कीपिंग देयर मोबाइल फोन शॉप ओपन 15 मिनट्स बियॉन्ड परमिटेड आवर्स. और ये दोनों इनका मोबाइल शॉप था और जो भी परमिटेड आवर्स थे बिकॉज ऑफ COVID-19 सबको पता है कि एक लिमिटेड आवर्स के लिए ही बिजनेस अलाउ किया जा रहा है. तो उस परमिटेड आवर्स से इन्होंने 15 मिनट्स अपने मोबाइल शॉप को ज़्यादा खोल रहा हुआ था और इसके कारण थे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और इतना मर्सीलेस तरीके से पीटा दैट लेड टू डेथ ऑफ बोथ जयराज एंड बेनिक. उसके अलावा हाल फिलहाल में वी हैड सीन अ केस इन असम टीटाबोर केस वेयर अ यूथ जयंता बोरा फ्रॉम बोरहोला नियर टीटा बोरा वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस ऑफिशियल्स फॉर हिज अलीस्ट कनेक्शन विथ अल्फा ग्रुप एंड लेटर ही वॉज फाउंड डेथ इन पुलिस कस्टडी. तो इस तरह के कई सारे न्यूज़ निकल के आते हैं. ये तीन चार इवेंट्स ये तीन चार केसेस आप याद रखेंगे फॉर योर आंसर राइटिंग. टूटीकोरिन केस टीटाबोर केस या जयंता बोरा केस इस तरीके से आप मेंशन करके अगर कोई क्वेश्चन आए कस्टोडियल डेथ या पुलिस फेक इनकाउंटर्स पे तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं. अब लेट अस सी पब्लिक ओपिनियन अबाउट पुलिस एट्रोसिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन ऑन एक्टिविटीज़ लाइक कस्टोडियल डेथ एंड फेक इनकाउंटर्स. बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनका ऐसा मानना है दैट इनफॉर्मिटी ऑफ इंडियन जुडिशियरी हैज़ लेड टू दीज इवेंट्स एंड दीज इवेंट्स हैव नाउ बिकम इम्परेटिव दे हैव बिकम एसेंशियल पार्ट फॉर मेंटेनिंग गुड लॉ एंड ऑर्डर. उनका मानना है कि हमारी जुडिशियरी पूरी तरह से वीक हो चुकी है इनफॉर्म हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मिटी बिकॉज ऑफ सच अ डिलेड प्रोसेस इन इंडियन जुडिशियरी नाउ पुलिस हैज़ टू टेक सच प्रोएक्टिव स्टेप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड राइज ऑफ क्राइम इन इंडिया.
उसके अलावा फेक इनकाउंटर्स मेनी पीपल बिलीव आर एफिशिएंट वे ऑफ कर्बिंग क्राइम रेट्स। इससे क्राइम रेट को अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। पीपल ऑल्सो बिलीव दैट दिस क्रिएट्स अ डेटरेंस इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स। फेक इनकाउंटर होते हैं जब कस्टोडियल डेथ होते हैं क्रिमिनल्स के, तो क्रिमिनल्स के मन में एक डेटरेंस एक फियर क्रिएट होता है और इसके कारण ओवरऑल क्राइम रेट कम होता है एंड लॉ एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड, ऐसा सपोर्टर्स का मानना है। बट देर आर क्रिटिक्स ऑल्सो हु क्रिटिसाइज हु आर्ग्यू अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज़। उनका मानना है दैट सच पुलिस एट्रोसिटीज लीडिंग टू कस्टोडियल डेथ एंड फेक इनकाउंटर्स आर वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। आखिर एक कानून है, एक सिस्टम है जहाँ पर पुलिस का काम है टू नैप द क्रिमिनल्स एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ जुडिशियरी, और जुडिशियरी का काम है सजा सुनाना। इफ़ द पुलिस टेक्स लॉ इन इट्स ओन हैंड देन देयर विल बी एंटायर अपसाइड डाउन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री एंड दिस विल इरोड पीपल ट्रस्ट इन पुलिस। लोगों का धीरे धीरे भरोसा पुलिस से उठ जाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल हैव राइट इवन द एलीज्ड क्रिमिनल जिनके ऊपर कोई भी केसेज हैं क्राइम के केसेज हैं उनके भी राइट टू लाइफ हैं, फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब ने ये बेसिक फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ रखा होगा, गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 दैट सेज दैट ओनली law can take life of a person. Life of a person cannot be taken by arbitrary action of executive. Only according to a procedure established by law can take life of a person. Otherwise not. Otherwise each and every one of us, each and every citizen of India is entitled to right to life. हम सबको जिंदा रहने का अधिकार है और ये हमारा मौलिक अधिकार है, fundamental right है, and police or any authority cannot take away such rights. अब जरा देखते हैं, एक बात आपको सबको ध्यान से सुननी है दैट एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट यू मस्ट कंडेम द आइडिया ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज एंड यू मस्ट सजेस्ट पुलिस रिफॉर्म्स एज वे अहेड। कई सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज। उनका मानना है कि ये फेक इनकाउंटर्स और कस्टोडियल डेथ्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। जब लास्ट टाइम भी मैंने टीटा बोर वाला केस कवर किया था इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के दिया कि जुडिशियरी इज़ वीक इन आवर कंट्री एंड दैट इज़ वाई सच एक्शंस हैव बिकम इम्परेटिव ऑन पुलिस पार्ट, अदरवाइज जस्टिस कैन नॉट बी गारंटेड। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लें, यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ओके, सो आपको इस तरह के आर्गूमेंट्स भले ही आपके पर्सनल ओपिनियन होंगे बट यू नीड नॉट टू एंड यू शुड नॉट पुट सच ओपिनियन ऑन योर पेपर और यू शुड नॉट ब्रिंग सच ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर्स, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके एथिक्स पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, GS पेपर 2 में गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल आते हैं। नेवर सपोर्ट द आइडिया ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज, नेवर सपोर्ट द आइडिया ऑफ पुलिस ब्रेकिंग रूल ऑफ लॉ एंड नेवर सपोर्ट द आइडिया ऑफ फेक इनकाउंटर एंड कस्टोडियल डेथ्स। आज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट वट एवर माइट बी योर पर्सनल ओपिनियन। तो आपको पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में ही सजेस्ट करना है, यू हैव टू सजेस्ट दैट पुलिस रिफॉर्म इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर बेटर गवर्नेंस एंड फॉर इंश्योरिंग गुड लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सोसाइटी। और पुलिस रिफॉर्म्स कैन बी इन टू डायमेंशंस, इसको दो डायरेक्शन में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। कुछ एरियाज में पुलिस के पावर को इन्हांस करने की जरूरत है, वी नीड टू इन्हांस पावर ऑफ पुलिस इन फ्यू एरियाज, एट द सेम टाइम वी नीड टू कर्टेल पावर ऑफ पुलिस इन फ्यू एरियाज, कुछ एरियाज में पुलिस के पावर हमें कम करने की जरूरत है। तो लेट अस सी द एरियाज वेयर पुलिस नीड सम एनहांसमेंट ऑफ पावर। द फर्स्ट इज ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल स्केलिंग अप। देखो, पुलिस शुड बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजीज लाइक फेसियल रिकॉग्निशन टेक्निक, DNA डेटाबेस, ETC। देखो, वेस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे पुलिस इज़ हाईली इक्विप्ड, उनको कई सारे टेक्निकल सपोर्ट मिलते हैं, फास्ट तरीके से एफिशिएंट तरीके से फॉरेंसिक टेस्टिंग होती है, उनके पास कई सारे और भी सपोर्ट्स होते हैं, DNA डेटाबेस होता है, फेसियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स होती है, जिससे वो आराम से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे जब पुलिस को इस तरह के सपोर्ट नहीं मिलते तो नेचुरली फिर पुलिस के पास किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो होता है कन्फेशन। और फिर जो वो अलीज्ड क्रिमिनल होता है, जिसके अगेंस्ट भी क्राइम अलीज्ड है, जिसके अगेंस्ट अभी केस रजिस्टर किया गया है, उसको फिर पीट पीट करके, उसको टॉर्चर करके उससे फिर वो कन्फेस कराने का ही ऑप्शन बच जाता है पुलिस के पास। रीजन बींग पुलिस इज नॉट इक्विप्ड इनफ टू डू
the investigation in a technological manner and resolve the case on its own. अब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि चूँकि पुलिस इतना इक्विप्ड है कि उसको टॉर्चर करके और कन्फेस कराने की ज़रूरत नहीं है क्रिमिनल से, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके और इंक्वायरी करके और वो फिर क्राइम को सेटअप कर देती है. और इस कारण से वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में पुलिस इज़ नॉट इंगेज्ड इन टॉर्चर एंड ह्यूमन राइट्स आर गारंटेड. और इस तरह का टेक्निकल स्केलअप हमारे कंट्री में भी अब रिक्वायर्ड है. उसके अलावा द पुलिस नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ वन ऑफ द की रीज़न वाई पुलिस गेट्स इंगेज इन टू सच काइंड ऑफ एट्रोसियस एक्टिविटीज़ लाइक कस्टोडियल डेथ एंड फेक इनकाउंटर्स. इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो यूपी के फॉर्मर डीजीपी हैं उनका ऐसा मानना है कि विकास दुबे न्यू सो मेनी थिंग्स अबाउट the political leaders of UP and these things had it come in public domain it could have create ruckus, it could have create instability in entire UP's administration and political system and that is why the administration got him encountered in fake manner. तो ये सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण पुलिस को इस तरह की एट्रोसिटीज़ और फेक इनकाउंटर में इंगेज होना पड़ता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हमें मिनिमाइज करने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम वी नीड टू कर्टेल पावर ऑफ पुलिस इन फ्यू एरियाज. कुछ एरियाज़ में पुलिस के पावर कर्टेल करने की ज़रूरत है. हाउ? तो एक क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज़ टू बी लेड डाउन कि पुलिस को क्या क्या SOPs फॉलो करने हैं. ये जो विम्सिकल मैनर में पुलिस काम करती है, कभी FIR रजिस्टर किया कभी नहीं किया, वो सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी है. वी नीड टू ले डाउन अ क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इफ एनी पुलिस मैन इज़ फाउंड टू बी डेविएटिंग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देन ही और सी शुड बी पनिश्ड. उसके अलावा द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. कई दफ़ा हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस को फ्री हैंड दे देती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मर्जी आए करो. एंड उसके बाद पुलिस मैनी अ टाइम्स इंगेज इन टू मैनी इलीगल एट्रोसियस एक्टिविटीज़ लाइक फेक इनकाउंटर एंड कस्टोडियल डेथ इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेम ऑफ कीपिंग रीन ओवर क्रिमिनल्स इन द स्टेट. बट ये सारे एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए. एंड ऑल दोज पुलिस ऑफिसर्स हु आर फाउंड इंगेज्ड इन वायलेटिंग रूल ऑफ लॉ शुड बी पनिश्ड लाइक क्रिमिनल्स. ये सब चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती हैं बट इन रियल लाइफ इट ओवरऑल डिस्टर्ब्स इंडियाज इमेज एट इंटरनेशनल स्केल. सेकेंड, इन इंडिया ऑल्सो विद इन द कंट्री ऑल्सो इट ओवरऑल डिमिनिशेस पुलिस इमेज एंड पीपल्स ट्रस्ट ऑन पुलिस. एंड थर्ड, इट रादर दैन इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सोसाइटी इट डिमिनिशेस लॉ एंड ऑर्डर. तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स. तो जो दो तरह के पुलिस रिफॉर्म्स हमने बताएं, कुछ एरियाज़ में उनके पावर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ एरियाज़ में उनके पावर को कर्टेल करने की ज़रूरत है. और इन सारे एरियाज़ में से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया था इन प्रकाश सिंह केस इन 2006 फॉर पुलिस डिपार्टमेंट इन आवर कंट्री. तो अलग अलग स्टेट्स को ये डायरेक्टिव्स दिए गए थे लेकिन अभी तक ये डायरेक्टिव्स बहुत ही कम स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं. सो लेट अस सी व्हाट वेर द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह केस टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट देयर शुड बी अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन to ensure that a state government does not use undue influence on police force. तो जो state के जो political leaders हैं वो police force के ऊपर undue अपना pressure इस्तेमाल ना करें. इसके लिए अलग से हर स्टेट में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाई जानी चाहिए और ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. बिकॉज ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन आर टू कैरेट एंड स्टिक्स and suspension are carrots and stick that the political leaders use against police officers. So ye transfer, promotion and suspension, ye jo bhi activities hain, ye sari activities political leaders se le karke ek alag commission establish karni chahiye har ek state mein aur uske hath mein de dena chahiye, jis commission ka naam hona chahiye state security commission. Uske alawa the investigation team should be separate from law and order maintaining team. To pura ka pura police department mein do team honi chahiye, do tarike, ek honi chahiye investigation टीम और दूसरी होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग टीम. और जो इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए दैट शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड एंड प्रॉपरली इक्विप्ड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी क्राइम केसेस. देयर शुड बी अ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल टू इंक्वायर इनटू पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर. तो हर एक स्टेट में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इंगेज होता है इलीगल एक्टिविटीज में जैसे कस्टोडियल डेथ या फिर फेक इनकाउंटर तो उसका कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में.
At the same time, at central level, there should be a National Security Commission at the union level to prepare a panel for selection and replacement of chief of the central police organizations with a minimum tenure of 2 years. तो इस तरीके से जब 2 साल के tenure की guarantee हो जाएगी police officers here at the central level, तो अपने आप the interference of political leaders over police officer will get diminished and police officers will act in free and fair manner. उसके अलावा लॉ कमीशन ऑल्सो मेड सर्टेन सजेशंस रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स. लॉ कमीशन इन 273rd रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट दोज अक्यूज ऑफ कमिटिंग कस्टोडियल टॉर्चर, बीट बी पुलिसमैन, बीट बी मिलिट्री पर्सनल और पारामिलिट्री पर्सनल, शुड बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड. तो जिस अगर कोई फेक इनकाउंटर का केस प्रूफ हो जाता है या कस्टोडियल डेथ का केस प्रूफ हो जाता है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, एक ऐसा क्रिमिनल जिसने मर्डर किया हो. यह है रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन इन 273rd रिपोर्ट. तब जाकर के ये जो कस्टोडियल डेथ एंड फेक इनकाउंटर्स के केसेज हैं वो जाकर के कम हो पाएंगे. With respect to this entire topic, you can attempt this mains practice question. Explain the existing policing mechanism in India. Analyze the various issues in policing and suggest the way ahead to improve policing in India. The next article is taken from international segment. It is about radical Islamization of Turkey. And this topic is important from our syllabus. Paper 3, International Relations Point of View, Effects of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interest. सबसे पहले जरा देखते हैं टर्की कहाँ पे लोकेटेड है. सो यू कैन सी टर्की हियर लोकेटेड एट द मार्जिन ऑफ बोथ यूरोप एंड एशिया. सो टर्की इट पार्टली लाइज इन एशिया एंड पार्टली इन यूरोप. आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है टर्की का दैट लाइज इन एशिया, उसके अलावा छोटा सा पार्ट टर्की का यूरोप में भी लाई करता है. इट शेयर्स बॉर्डर विथ बुल्गारिया एंड इन एशिया इट शेयर्स बॉर्डर विथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, सीरिया एंड अ स्मॉल बॉर्डर इज ऑल्सो शेयर्ड विथ इराक. अब टर्की एज आई सेड इट ओपन्स इन मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट एंड सदर्न रीजन वाइल इट ओपन्स इन टू ब्लैक सी इन नदर्न रीजन. तो यह है टर्की और उसका लोकेशन. अब जरा देखते हैं टर्की से रिलेटेड न्यूज़ क्या है. इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें इस मॉन्यूमेंट के बारे में समझना होगा, हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट. हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट एंड इट इज़ इन टर्की. And this monument has religious significance for both religion, Christians as well as Muslims. देखो टर्की के इस एरिया में जहाँ पे टर्की है अभी, उस एरिया में 6th century से ही एक अम्पायर रूल करता था जिसका नाम था बेजेंटाइन अम्पायर. दिस बेजेंटाइन अम्पायर्स फॉलोड क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी एज देयर रिलीजन और उन्होंने इस बेजेंटाइन अम्पायर वालों ने इस लोकेशन को, इस हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट को बनाया था एज अ चर्च. तो ये उनका रिलीजियस प्रेयर पोजिशन था, रिलीजियस प्रेयर मॉन्यूमेंट था, एक तरह का चर्च बनाया था बेजेंटाइन क्रिश्चियंस ने जो यहाँ पर रूल कर रहे थे एंड दे रूल्ड इन दिस एरिया फ्रॉम 6th century टू 15th century AD. लेकिन 15th century AD में दैट मीन्स इन 1453 एग्जैक्ट ईयर है 1453 व्हेन सुल्तान महमूद सेकेंड हु कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल हु वाज द व्हाट दैट वाज द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर एंड आफ्टर दैट बेजेंटाइन एम्पायर केम टू एन एंड इन टर्की. और उसके बाद से यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रिप्लेस्ड दिस बेजेंटाइन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर इज ऑफकोर्स एन इस्लामिक एम्पायर. तो सरल शब्दों में 6th century से लेकर के 14th century AD तक बेजेंटाइन एम्पायर्स ने रूल किया जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट को बनाया था एज देयर चर्च. लेकिन जब 1453 में इस एरिया को कैप्चर कर लिया ऑटोमन सुल्तान्स ने तो फिर उन्होंने, सिंस दे फॉलोड इस्लामिक रिलीजन, उन्होंने इसी मॉन्यूमेंट को अब एक मॉस्क की तरह, एक मस्जिद की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. एंड लेटर ऑन इन 1923 आप सबको पता है कि देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सेकुलर रिवॉल्यूशन इन टर्की और टर्की उसके बाद से बिकेम अ सेकुलर स्टेट. ना ही ये क्रिश्चियन स्टेट रहा, ना ही ये इस्लामिक स्टेट रहा, इट बिकेम अ सेकुलर स्टेट, इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट आफ्टर ए रिवॉल्यूशन अंडर मुस्तफ़ा कमाल पासा. दैट रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1923 और उसके बाद से इस हागिया सोफिया मॉन्यूमेंट को ना ही चर्च की तरह रखा गया, ना ही मॉस की तरह रखा गया, इसको एक म्यूजियम बना दिया गया. तो सिंस देन इट हैज़ बीन केप्ट एज अ म्यूजियम. अब जरा देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है. द करंट न्यूज सेज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की,
Tayyip Erdogan has declared this Hagia Sophia Museum as mosque. तो सरल शब्दों में वापस से अब इसको एक मुस्लिम स्ट्रक्चर बना दिया गया है, इसको वापस से एक मॉस्क बना दिया गया है. एंड इफ यू सी दिस स्टेप, दिस इज जस्ट वन स्टेप ऑफ मैनी टेकन बाई टर्की प्रेसिडेंट Tayyip Erdogan इन रिसेंट टाइम टुवार्ड्स रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. टर्की आपको जैसे मैंने बताया 1923 के बाद से आफ्टर रिवॉल्यूशन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिवॉल्यूशन अंडर मुस्तफ़ा कमाल पासा टर्की हैज़ बीन अ सेकुलर स्टेट. लेकिन हाल फिलहाल में अंडर प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan धीरे धीरे टर्की का इस्लामाइजेशन हो रहा है. धीरे धीरे टर्की के जो सेकुलर फैब्रिक्स हैं उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इंटू इस्लामिक नेचर. और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है वेयर हैगिया सोफिया मॉन्यूमेंट हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड इंटू मॉस्क, दिस इज जस्ट वन इवेंट आउट ऑफ सो मेनी स्टेप्स टेकन बाई प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan इन करेंट टाइम इन ऑर्डर टू इस्लामाइज टर्की. एंड इट्स नॉट जस्ट इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की, इट इज़ रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. मतलब थोड़ा वो रेडिकल और वो बारबेरिक एंगल दिया जा रहा है टर्की के इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को. जरा सा देखते हैं कि व्हाट अदर स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑफ टर्की Recep Tayyip Erdogan इन रिसेंट टाइम दैट प्रूव्स दैट ही इज इंक्लाइन टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में, ओपन पीस स्प्रिंग, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग दैट वाज ब्रॉट इन अक्टूबर 2019. लास्ट ईयर ऑपरेशन पीस स्प्रिंग स्टार्ट किया था टर्की आर्मी ने. और इस ऑपरेशन पीस स्प्रिंग को हमने डिटेल में कवर किया है इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17 अक्टूबर 2019. तो अगर आपको इस ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के बारे में डिटेल में जानना है यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दिस. यहाँ पे बस आप आई विल टेल द ब्रीफ दैट अंडर दिस ऑपरेशन पीस स्प्रिंग टर्की आर्मी अटैक्ड द कुर्दिश फोर्सेस हु वेयर फाइटिंग अगेंस्ट ISIS इन सीरिया. टर्की आर्मी ने भले ये कहा कि कुर्दिश फोर्सेस आर द सेक्सेशनिस्ट, दे आर द वायलेटर्स ऑफ रूल एंड लॉ इन इन टर्की, दैट इज़ वाई टर्की फोर्सेज हैव अटैक्ड. लेकिन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि टर्की आर्मी ने कुर्दिश फोर्सेज के अगेंस्ट इसलिए अटैक किया क्योंकि कुर्दिश फोर्सेज वेयर फाइटिंग अगेंस्ट ISIS. एंड ISIS आप सबको पता है रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है. तो ये जो स्टेप देखा गया टर्की का वेयर टर्की आर्मी अटैक्ड द कुर्दिश पीपल इन सीरिया, दैट स्टेप इज बींग कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट बाई टर्की टू सपोर्ट ISIS. सो दिस वॉज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाई टर्की टुवर्ड्स रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. एंड टर्की इज बींग कंसिडर्ड एज वन कंट्री दैट इज सपोर्टिंग रिवाइवल ऑफ ISIS. दो इट नेवर ओपनली एक्सेप्टेड दैट इट वॉन्ट्स रिवाइवल ऑफ ISIS, लेकिन जिस तरह के इसके स्टेप्स रहे हैं और खासकर ये जो ऑपरेशन पीस स्प्रिंग था टर्की का, दैट सजेस्ट दैट टर्की इज इन डायरेक्शन ऑफ रिवाइवल एंड टर्की एटलीस्ट वॉन्ट्स रिवाइवल ऑफ ISIS इन वेस्ट एशिया रीजन. उसके अलावा टर्की हैज़ बिन टाइम एंड अगेन इंटरफेयरिंग इन टू इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया. टर्की हैज़ सो मेनी टाइम्स कंडेम्ड इंडिया ऑन इट्स कश्मीर पॉलिसी. हाल फिलहाल में आप सबको मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था इन माय एनालिसिस ऑफ 18 फरवरी 2020, जहां पे टर्की प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan वेंट टू पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने कई सारे रेडिकल स्टेटमेंट्स दिए ऑन कश्मीर अगेंस्ट इंडिया. फॉर एग्जाम्पल ही सेड आर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव सफर्ड फ्रॉम इनकन्वीनियंसेस फॉर डिकेड्स एंड दीज सफरिंग्स हैव बिकम ग्रेवर ड्यू टू यूनिलैटरल स्टेप्स टेकन इन रिसेंट टाइम्स. तो इनडायरेक्टली इट वॉज इंडिकेशन टुवर्ड्स India, and he tried to prove that India is conducting atrocities against Kashmiri people, and the way, the kind of language he used, he tries to show that Kashmir is not part of India and Kashmiri people do not want to be part of India. So is tarike se he is trying to promote alienation of Kashmir, Kashmiri people out of India. He is supporting पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू अगेंस्ट इंडिया. ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने अपने 18 फरवरी के एनालिसिस में कर रखा है. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दिस, हाउ टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया ऑन कश्मीर इशू एंड हाउ टर्की इज अगेन एंड अगेन कंडेमिंग इंडिया रिगार्डिंग इट्स हैंडलिंग ऑफ माइनॉरिटीज इशूज इन इंडिया. तो इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं टर्की प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. खासकर ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडिया एज अ कंट्री हु इज कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम पीपल. तो अब जरा देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. आखिर Recep Erdogan चाहते क्या हैं.
तो इसको समझने के लिए हमें ज़रा और हिस्ट्री देखना होगा टर्की की। देखो, एज आई टोल्ड यू दैट टर्की वॉज रूल्ड बाई ऑटोमन सुल्तान्स फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। उसके पहले बेजेंटाइन क्रिश्चियंस रूल करते थे, देन इन 14th सेंचुरी ऑटोमन सुल्तान केम टू रूल। और ऑटोमन सुल्तान का जो टेरिटरी था वो इस रेड कलर से यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ मोर और लेस ओवर द मॉडर्न डे टर्की। और जो ऑटोमन सुल्तान्स थे दे वेयर रेवर्ड सुल्तान्स, दे वेयर हाईली वर्शिप्ड बाई मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ना ऑटोमन सुल्तान्स को, जो भी यहाँ का ऑटोमन सुल्तान होता था, जो भी इस ऑटोमन अम्पायर को रूल करता था, ही वॉज कंसिडर टू बी खैलीफेट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। खलीफा मतलब द वन हु इज अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो भले दुनिया के अलग अलग जगहों पर मुस्लिम लीडर्स रूल करें, जैसे इंडिया में भी आपको पता है कि मुगल्स रूल कर रहे थे, बट मुगल्स ओवरऑल रूल्ड अंडर दिस खलीफा, क्योंकि मुगल्स दे ऑल्सो ट्रीटेड द खलीफा एज देयर अल्टीमेट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर। तो इस तरीके से दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस्लामिक रूल्स थे, जहाँ जहाँ भी इस्लामिक अम्पायर्स थे, दे ऑल ट्रीटेड दिस सुल्तान ऑफ ऑटोनम अम्पायर एज देयर खलीफा, मतलब देयर सुप्रीम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर। लेकिन ये जो ऑटोमन अम्पायर है that got disintegrated and that ended after World War I, क्योंकि World War I में आपने briefly world history में जरूर पढ़ रखा होगा, this Ottoman Empire fought along with Austria-Hungary Empire and German Empire as central powers. So they fought Ottoman, German and Austria-Hungary fought as central power against the allies who were Britain, France and Russia. And as you all know that central powers were defeated and after this defeat Ottoman Empire was disintegrated. Ottoman Empire को ख़त्म कर दिया गया और Ottoman Sultans के post को ख़त्म कर दिया गया 1919 as a result of Treaty of Sevres. और इसी कारण से इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिससे रिलेटेड आर्टिकल मैंने डे बिफोर yesterday अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, when Ottoman Sultans were treated badly by Britishers, that led to frustration amongst Indian Muslims and that led to Khilafat movement in India. So उसके बाद से जब 1919 में ट्रीटी ऑफ सेवरिस हो गया, ऑटोमन सुल्तान्स के पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया एंड टर्की वाज डिसमेंबर्ड, इट वाज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेरिटरीज, उसके कुछ ही दिनों बाद आफ्टर फ्यू इयर्स इन 1923 देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन टर्की अंडर अ सेकुलर लीडर मुस्तफ़ा कमाल पासा। और ये मुस्तफ़ा कमाल पासा ही ब्रॉट मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की। जो टर्की अभी तक खलीफा माना जाता था और मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर माना जाता था, उसी कंट्री के अंदर, उसी टर्की के अंदर इन्होंने सेकुलरिज्म प्रमोट कर दिया और इस्लामिक स्टेट का स्टेटस ख़त्म कर दिया। टर्की बिकेम सेकुलर एंड रिपब्लिक आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन अंडर मुस्तफ़ा कमाल पासा 1923। अब 2023 को इस रिवॉल्यूशन के 100 साल पूरे हो जाएंगे और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि टर्की प्रेसिडेंट अर्डोगन वांट्स टू रिवाइव खलीफेट सिस्टम। जिस तरह का स्टेटस था टर्की का, जिस तरह का स्टेटस था ऑटोमन्स का बिफोर दिस रिवॉल्यूशन ऑफ 1923, उस तरह का स्टेटस अचीव करना चाहते हैं अर्डोगन। ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक खलीफा, द सुप्रीम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस कारण से ये इस तरह के रेडिकल स्टेप्स हाल फिलहाल में लगातार लिए जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ सच रेडिकल स्टेप्स, बिकॉज ऑफ रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की, नो डाउट ही हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक लीडर इन प्रेजेंट टाइम। और इसी कारण से वो धीरे 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 टर्की का इस्लामाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। एंड मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि जब इस टर्की के इस रिवॉल्यूशन के 100 साल पूरे हो जाएंगे आफ्टर 3 ईयर्स, उसी साल वो वापस से टर्की के सेकुलर स्टेटस को ख़त्म करके वापस से इसको एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देंगे बाय अमेंडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही विल डिक्लेयर हिमसेल्फ मोर और लेस लाइक अ खलीफा, सुप्रीम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा देखते हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की ओवर इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट। देखो, आपके सिलेबस में दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से। आपको दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको वो चीज़ें समझनी है, वही सारे सवाल एग्जाम में आएंगे कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की। सो फर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट विल बी दैट इट विल लीड टू इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, एंड यू नो दैट इंडिया इज एनर्जी
energy deficit country, and India heavily depends on import of its energy like crude oil and natural gas, and most of its import comes from West Asia, and if there is instability in West Asia, it will lead to energy security threat for India. Uske alawa so many Indian expats work in West Asian countries, aur ek bar West Asia mein instability aayegi, disturbances aayenge, then it will negatively impact on flow of remittances in India. जो दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इट विल वीकेन इंडियाज पॉलिसी ऑन पाकिस्तान. तो देखो, आफ्टर उरी अटैक इन 2016, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए क्लियर कट पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान, एंड दैट इज टू आइसोलेट पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल फोरम. सिंस पाकिस्तान हैज बीन कंसिस्टेंटली प्रमोटिंग टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, एंड इट इज ब्रीडिंग टेररिज्म ऑन इट्स ओन सॉइल, इंडिया हैज डेवलप्ड ए पॉलिसी of isolating Pakistan on international forums. तो जो भी international forums हों, चाहे SCO हो, चाहे UN हो, हर जगह पाकिस्तान को isolate करने का सार को इसी कारण से इंडिया ने abandon कर दिया after 2016. लेकिन टर्की का जो continuous support है for पाकिस्तान, उसके अलावा टर्की बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज को भी प्रमोट कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट पाकिस्तान, दिस विल फेल और वीकेन इंडियाज पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑफ आइसोलेटिंग इट ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. तीसरा जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा इंडिया के लिए, दैट विल बी सिक्योरिटी थ्रेट. सो नो डाउट आई टोल्ड यू दैट टर्की इज सपोर्टिंग राइज ऑफ ISIS. सो द राइज ऑफ ISIS इन वेस्ट एशिया रीजन विल लीड टू प्रमोशन ऑफ रेडिकल टेररिज्म इन वेस्ट एशिया, दैट अल्टीमेटली विल डी स्टेबलाइज द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, एंड दैट विल लीड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट होंगे इंडिया के ऊपर बिकॉज ऑफ द रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की. The next article is taken from national segment. It is about Asia's largest solar power plant. This topic is important from our syllabus. Paper 4, Indian economy point of view, especially the subtopic energy sector. सो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं. देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है एक 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड नाउ दिस इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, एंड दिस सोलर पावर प्लांट विल सप्लाई पावर टू मध्य प्रदेश एज वेल एज इट विल सप्लाई पावर टू दिल्ली मेट्रो. एंड ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट सोलर एनर्जी विल प्ले अ मेजर रोल इन अचीविंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी सेक्टर, स्पेशली इन ऑर्डर टू अचीव इंडियाज विजन ऑन आर आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो सोलर एनर्जी सरल शब्दों में आने वाले टाइम में हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन में के लिए एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने. तो इस पूरे आर्टिकल की मदद से, इस डेवलपमेंट की मदद से, लेट अस एनालाइज इंडियाज प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी का एक हिस्सा है सोलर एनर्जी. तो इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अभी तक क्या रहा है. एक बार ब्रीफली डेफिनेशन देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी. अब रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से होते हैं? दो सोर्सेज विच आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड का मतलब जो एक बार यूज करने के बाद आराम से वापस से रीजनरेट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो उससे वो खत्म नहीं होती है, इट गेट्स ऑन रिप्लेनिश्ड ईजली. विंड एनर्जी, एक बार हमने यूज कर लिया तो खत्म नहीं होती, आराम से वापस से वो रीजनरेट हो जाती है. लेकिन वही अगर कोल हमने यूज किया, ऑयल यूज किया, देन दैट कैन नॉट गेट रिप्लेनिश्ड सो ईजली, एंड दैट इज वाई सच सोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी. इनको एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया, दे डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड सो ईजली. जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जाम्पल हो सकते हैं विंड, जियोथर्मल, सोलर, हाइड्रोपावर, बायोमास. इंडिया के अंदर कौन कौन से सेक्टर से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जनरेट होती है, उसका पूरा डायग्राम हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. एज यू कैन सी मैक्सिमम पावर इन इंडिया इज स्टिल जनरेटेड फ्रॉम कोल सेक्टर. उसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी हैं, विंड सेक्टर से जनरेट होता है 9% के आसपास, गैस सेक्टर से जनरेट होता है 7% के आसपास, लार्ज हाइड्रो सेक्टर से जनरेट होता है अबाउट 13%. अब जरा देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंडिया. तो ऑफ कोर्स पहला सिग्निफिकेंस होगा इट विल रिड्यूस ऑयल डिमांड्स. देखो, एज आई टोल्ड यू दैट इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, एंड दैट इज़ व्हाई इंडिया हेवीली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट. 80% ऑफ इंडियाज नीड्स ऑफ एनर्जी इज मीट थ्रू इम्पोर्ट, और बिकॉज ऑफ
कॉन्टिन्यूस वोलेटाइल सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया, इंडिया ऑलवेज रिमेंस वल्नरेबल। जैसे कि हाल फिलहाल में टर्की वाले आर्टिकल में भी मैंने बताया कि वेस्ट एशिया में कोई ना कोई इशूज़ होते ही रहते हैं, कभी इसराइल और पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी ईरान और सऊदी अरबिया का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इंडिया हेवली डिपेंड्स ऑन वेस्ट एशिया। और इस कारण से इंडिया की जो ऑयल सिक्योरिटी है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो हमेशा थ्रेट में रहती है। तो इस कारण से हमें रिन्यूएबल एनर्जी को रीजनरेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना हमारे देश में इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कुड रिड्यूस आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया रीजन, वी कुड रिड्यूस आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा, इट विल ऑफ कोर्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। 7 आउट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज बिलोंग टू इंडिया एंड पॉल्यूशन इज मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल एंड ऑयल। तो अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया, देन ऑफ कोर्स पॉल्यूशन लेवल विल कम डाउन। न्यू दिल्ली इज कंसिडर टू बी पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द अर्थ। तीसरा बेनिफिट होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं लाइक ऑयल एंड कोल, दे आर जनरेटेड एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्म। इनको एक इनके लिए एक प्रॉपर पावर प्लांट होता है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जनरेट होती है, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। और इस कारण से जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, कोल पावर प्लांट्स, उनसे प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी को गाँव में पहुँचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट दीज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इनको गाँव में ले जाकर के कुछ एक विंड पैनल्स लगा दिए जा सकते हैं, कुछ सोलर पैनल्स लगा दिए जा सकते हैं, और इस कारण से जो रूरल डेवलपमेंट है, रिमोट एरियाज का डेवलपमेंट है, वहां पे पावर सप्लाई है, दैट कैन बी गारंटेड बिकॉज द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी सेट अप इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। आप कुछ एक सोलर पावर प्लांट्स पैनल जाकर के गांव में लगा सकते हैं, इस तरह के सोलर विंड्स प्लांट्स जाकर के गांव में लगा सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में बिना ग्रिड सिस्टम से, सेंट्रल ग्रिड सिस्टम से कनेक्ट किए हुए, आप गांव के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब जरा देखते हैं कि इंडिया के क्या टारगेट्स हैं रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सो इंडिया हैज अ गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय ईयर 2022। ये इंडिया का गोल है, और आउट ऑफ दिस 175 अगर हम ब्रेकअप देखें, देन 100 गीगावाट हैज टू कम फ्रॉम सोलर सेक्टर, 60 गीगावाट हैज टू कम फ्रॉम विंड सेक्टर, 10 गीगावाट फ्रॉम बायो पावर एंड 5 गीगावाट फ्रॉम हाइड्रो पावर। तो ये है ब्रेकअप ऑफ ओवरऑल टारगेट ऑफ इंडिया। वी वांट 175 गीगावाट ऑफ पावर कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस बाय 2022। लेकिन अगर इंडिया का अभी तक का अचीव्ड टारगेट देखा जाए, अभी तक जो भी हमने पोटेंशियल रियलाइज किया, दैट इज़ वेरी लेस। हमने लगभग 25 गीगावाट प्रोड्यूस किया है सोलर एनर्जी में हमारी कैपेसिटी है, और लगभग 35 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है इन विंड एनर्जी। तो ओवरऑल मोर और लेस आवर कैपेसिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज हार्डली अबाउट 60 गीगावाट, जबकि हमारा टारगेट है ऑफ अचीविंग 175 गीगावाट बाय 2022। एंड दैट इज व्हाई इट इज बिलीव दैट इंडिया हैज बैडली मिस्ड द टारगेट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और ये जो टारगेट इंडिया ने सेट किया है 175 गीगावाट का ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू मीट इट्स कमिटमेंट एट पेरिस क्लाइमेट डील। और जब हम इस टारगेट को बैडली मिस कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि जो हमारा पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है, जो कमिटमेंट है, वो भी हम मिस कर जाएंगे। सो पेरिस क्लाइमेट डील में इंडिया का क्या कमिटमेंट है, उसको हम लोग इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। वाइल अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन वी विल नो अबाउट इंडियाज कमिटमेंट एट पेरिस क्लाइमेट डील। सो द क्वेश्चन रीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वन ऑफ द इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एट पेरिस क्लाइमेट डील इज टू अचीव 30% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑनली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक बार कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज एट पेरिस क्लाइमेट डील
COP21 ऑफ UNFCCC क्या है वो जरा देखते हैं। तीन मेजर कमिटमेंट्स हैं इंडिया के एट पेरिस क्लाइमेट डील। पहला है टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33-35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो जो भी हमारा इमिशन इंटेंसिटी था, इमिशन इंटेंसिटी माइंड इट, इट्स नॉट ओवरऑल इमिशन, इमिशन इंटेंसिटी मतलब इमिशन पर यूनिट GDP, जो भी हमारा इमिशन इंटेंसिटी था 2005 में, उसका 33-35% हम उससे कम कर देंगे हमारी इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। ये पहला इंडिया का कमिटमेंट है। दूसरा इंडिया का कमिटमेंट है टू अचीव अबाउट 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। सरल शब्दों में 40% तक का जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ये इंडिया का दूसरा कमिटमेंट है। और इंडिया का तीसरा कमिटमेंट है टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5-3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। सरल शब्दों में हम इतना एक्स्ट्रा ट्री लगाएंगे, इतना एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे ताकि हम 2.5-3 बिलियन टन्स तक का एक्स्ट्रा CO2 एटमोसफेयर से कैप्चर कर पाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं कार्बन सिंक। फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज कार्बन सिंक बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब CO2। सो वी विल डेवलप अबाउट फॉरेस्ट दैट विल एक्ट एज ए कार्बन सिंक फॉर 2.5-3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। सो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो इंडिया का दूसरा कमिटमेंट है दैट इंडिया वांट्स टू हैव 40% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030, जबकि ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है दैट इंडिया हैज टारगेट इज ऑफ 30%, दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट के लिए हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या डिसीजन लिए वो जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑल दोज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हुज इंस्टॉल कैपेसिटी इज ग्रेटर दैन 25 MW इज नोन एज लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट। इट इज अबाउट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन डीमा हसाओ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 आसाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले देखते हैं कि करंट न्यूज़ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको शॉर्ट में आप डोनर मिनिस्ट्री कहते हैं, इट इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश मोस्टली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जैसा नाम से ही क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप द फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन द नॉर्थ ईस्ट इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, जिसका पर्पस होगा टू टैप द इमेंस पोटेंशियल ऑफ बैम्बू सेक्टर इन द स्टेट। दिस पार्क विल बी डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ ओवरऑल 75 हेक्टेयर एंड दिस टारगेट विल बी कंप्लीटेड बाई March 2021। बैम्बू सेक्टर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड दैट इज़ वेरी मच क्लियर विद द डेटा दैट गिवन here. The northeastern region holds about 65% of the country's total estimated stock, which is overall about 90 million tons. तो northeast के अंदर bamboo industry के लिए huge potential है और northeast के अंदर भी सबसे ज़्यादा है Assam के अंदर, because Assam is the largest bamboo producing state in India and the main bamboo growing areas are Kachar, कार्बी अंगलोंग, नॉर्थ कचार हिल्स, नगांव एंड लखीमपुर। असम के अंदर अलग अलग वैरायटी के बैम्बू मिलते हैं। देर आर 51 स्पेसीज ऑफ बैम्बू एंड ऑलरेडी देर आर थाउजेंड्स ऑफ MSMEs वर्किंग इन द बैम्बू सेक्टर लाइक प्रोड्यूसिंग बाइंड्स, फ्लोरिंग, रूफिंग, इंसेंस स्टिक्स एंड हैंडीक्राफ्ट। लेकिन अब इस बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के बाद असम के अंदर बैम्बू सेक्टर को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आसाम सरकार ने भी बैम्बू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आई थी लास्ट ईयर, जिसका नाम था आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी। इस आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी विथ अ लिमिट ऑफ 5 करोड़, मतलब अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है इन द फील्ड ऑफ बैम्बू तो आपको 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लगेगा। मतलब आपको अगर वो 2 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 1 करोड़ रुपया 50% पैसा असम सरकार आपको सब्सिडी की तरह दे देगी, आपको बस 1 करोड़ लगाना होगा। लेकिन ओवरऑल इसमें लिमिट है 5 करोड़ का, यानी कि अगर आपकी फैक्ट्री है 12 करोड़ की तो 7 करोड़ आपको लगाना होगा, 5 करोड़ ही असम सरकार देगी, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा किसी भी केस में असम सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की तरह नहीं देगी अंडर दिस आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी। यह है पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन
है फॉर स्टार्टअप विथ इनोवेटिव आइडियाज ऑन बैम्बू विल गेट अ वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹5 लाख. देर विल बी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स फॉर केन एंड बैम्बू आर्टिसंस एंड दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी एंड दिस स्कीम विल बी कम्प्लीटेड इन 5 ईयर्स फ्रॉम 1st January 2020 टू 31st December 2024. In our segment target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 521 to 523. Topic number 521 is about immunity against malaria. For most infectious disease for which effective vaccines are developed, a single infection confers a long-standing protective immunity. A person who has measles does not develop measles again. This type of sterile protection immunity does not exist for malaria. We lack naturally acquired protective immunity against Plasmodium or other malarial parasites. Plasmodium has its own ingenious way of avoiding host immune responses, and that is why it is very difficult to generate a kind of immunity against malaria. Saral shabdon mein, hame malaria bar bar ho jata hai. To malaria ke against hamari body kisi bhi tarah ka antibody develop nahi kar pati hai. Please attempt this question that is based on this topic. The next topic is Innovate for Accessible India campaign. Microsoft and NASSCOM Foundation launched the Innovate for Accessible India campaign. This campaign wants to equip Divyang people with technology that can help them to make their life easier. Innovate for Accessible India campaign will use Microsoft Cloud, artificial intelligence and other latest technologies that can sort out the issues faced by Divyang people. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 523 is about Earth Hour. Every year Earth Hour is observed on the last Saturday of March at 8:30 p.m. Earth Hour is an annual event organized by World Wildlife Fund that promotes conservation and sustainable energy. During this time, civilians are encouraged to switch off their light for 1 hour to help reduce the effect of global warming and raise awareness for climate change and wildlife conservation. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 518 to 520 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.